वैश्विक महामारी कोविड-19 ने भारत के समेत विश्व के कई राज्यों में अपना आतंक कायम कर रखा है, जिससे बचाव हेतु देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका पालन सभी देशवासियों द्वारा भी बखूबी से किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसे सफलता बनाने को लेकर भरपूर कोशिशें की जा रही है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस गंभीर और ख़तरनाक वायरस को मजाक समझ बैठे हैं और उनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन जमकर किया जा रहा है। यहां तक कि गलत वाहन पास अपने वाहनों पर लगाकर धड़ल्ले से लॉकडाउन की ऐसी तैसी की जा रही है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने हेतु बक्सर पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बताते चले कि बक्सर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन तथा सोशल डिस्टेंसिंग मामलों में अभी तक यानी 25 दिनों में 18,58,500 रुपये जुर्माने की राशि वसूली की है। इस मामले पर बक्सर पुलिस कप्तान उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बेवजह घर से बाहर घूमने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन मामले में अभी तक 58 लोगों पर 30 मुकदमे IPC के तहत दर्ज किए जा चुके हैं और आगे भी यह अभियान और सख्त रूप से जारी रहेगा। रिपोर्ट बक्सर CNB न्यूज टीम। बताया गया कि लॉकडाउन को लेकर भ्रम की स्थिति कहीं कहीं बन रही है, कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी रहेगी। और जिस तरीके से लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, वो रिस्ट्रिक्शन भी लगी रहेगी, एक्सेप्ट कुछ जो रूरल इकोनॉमी और कुछ अन्य चीज़ों में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, बस उन्हीं चीज़ों को छूट मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक का मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होने लगेगा। वो अभी भी जो पुराने रूल्स लगाए गए थे कि एक बाइक पे एक से ज़्यादा नहीं बैठ सकते और फोर व्हीलर पे भी एक ड्राइवर और दो उसके साथ आदमी बैठ सकते हैं, उसके अतिरिक्त पर्सनल यूज के लिए अभी भी व्हीकल का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। तो ये सारे रूल्स अभी लागू रहेंगे और इस पे कार्रवाई भी होते रहेगी और उसमें कोई छूट नहीं मिला है। जो छूट मिला है उसके बारे में डिटेल DM साहब के द्वारा अभी बता दिया गया है। और अभी तक जो बक्सर ज़िले में लॉकडाउन वायलेशन से संबंधित जो मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें कल तक 30 मामले दर्ज किए गए थे, जो वामन 52 लोगों के विरुद्ध था। और MB एक्ट के तहत जो फाइन किया गया था उसमें लगभग कल तक का जो डाटा है उसके हिसाब से 2268 गाड़ियों पे 18,58,500 रुपये फाइन किया गया है। और 18,58,500, और ये अभियान अभी भी लगातार जारी रहेगा और कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। आज भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक गाड़ी को जब्त किया गया है और उस पर केस भी दर्ज किया जा रहा है, लॉकडाउन वायलेशन का भी, और वो किसी पास किसी का लेके वो ट्रैवल कर रहे थे। तो वो जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है और FIR भी दर्ज की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो पहले से लगे हुए हैं वो मूवमेंट को लेके वो लगभग कैरी करेगा। तो इसमें किसी को ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए या कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया अब आराम से निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई अफवाह फैलाएगा तो अभी जैसा कि DM साहब ने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उस पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो कृपया करके सभी संयम का परिचय दें। और अभी बक्सर ज़िले में भी 4 कोरोना के मामले आ भी गए हैं, तो इस नाते भी सभी लोगों को संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन को फॉलो करते रहें ताकि जो ये मामले हैं और ज़्यादा ना बढ़े। और हम लोगों की तरफ से भी लगातार प्रिकॉशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराया गया है, पहले वाले मामले में भी कराया गया था और दूसरे वाले मामले में भी, जो कि पहले वाले मामले में भी कुछ कॉमन थे और कुछ नए लोगों को भी ट्रैक किया गया है। तो उन सभी को क्वारंटाइन करते हुए उनका सैंपल लेके भेजा जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के फिर जिला प्रशासन का लोगों से, बक्सर के लोगों से अपील है कि जो लॉकडाउन का जो रूल्स रेगुलेशंस बना है उनको फॉलो करते रहें और
आप अपना और समाज का सभी का मदद करें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, जो भी लॉकडाउन का रूल्स है उसको पालन करें।